तो आज की क्लास हमारी होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की तुलना, दो भिन्न दिए हैं तो कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है इसकी तुलना होगी। जैसे मान लीजिए कि ये 3/4 दिया है और एक जगह पर 5/6 दिया है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा इस बात की तुलना करने के लिए, या और मान लीजिए भिन्न दे दिए हों, क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है इसको बताने के लिए कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन यानी भाग दे करके ये पता कर लें कि कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए 3 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो आपको यहां दशमलव बनाना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, ये 0.75 आया। और 5 में अगर आप 6 का भाग देते हैं तो ये 50 हो गया, और 6 × 8 = 48, 2 ये 0 और 6 × 3 = 18। अब ये 2 बार बार आएगा, 0.833 ये आता जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि 3/4 की वैल्यू आ गई है 0.75 और 5/6 की वैल्यू आ गई है 0.8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5/6 है ये बड़ा है। तो भाग विधि से भाग देने के बाद भिन्नों को पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। तो ये अगर 3-4 भिन्न दे दिए जाए तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा। अब इसी भिन्न को एक दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है, बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब हुआ, जो इसका मतलब यह हुआ कि जो हर है उसको हम लोग बराबर कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 3/4 है और ये 5/6 है, तो 3/4 और ये है 5/6, इसमें हर को यानी डिनोमिनेटर को 1 बराबर कर लेंगे। तो 1 बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये 6 है ये 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, या आपको खुद दिख रहा है हम इसको 12 बना लें, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, और यहां भी 2 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए ये भिन्न हो गई, ये भिन्न अब हो गई 9/12 और ये भिन्न हो गई 10/12। तो जब जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर समान होते हैं, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी हो जाती है। यहां पर जब हर समान है, जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। वह बड़ी भिन्न होगी। तो यहां पर देखिए अंश किसका बड़ा है, अंश यहां पर 10 बड़ा है ये,
और दोनों का ये जो हर है एक समान है, इसका मतलब कि 10/12, इसका मतलब कि 5/6 बड़ी हो गई 3/4 से, तो यहां पर 5/6 3/4 से बड़ा हो गया। तो आप देखिए कि भाग देने की अपेक्षा, भाग देने के अपेक्षा ये सम हर बना करके, सम हर नियम, सम माने बराबर, हर माने हर को बराबर करके हम लोग इस भिन्न को जल्दी से पता कर लिए कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। अब दूसरे तरफ आते हैं, तीसरा नियम ये बताता है कि अगर हम लोग अंश को समान कर लें तो बाई इक्वेटिंग न्यूमरेटर, यानी अंश को समान बना, अंश को समान करके इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास जो भिन्न थी वो थी 3/4 और ये है 5/6। अब हमको अंश को समान बनाना है तो 3 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें देखिए 5 का गुणा कर दें तो ये 15 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इस 3 का गुणा नीचे भी करना होगा और इस 5 का गुणा नीचे भी करना होगा। तो अब ये भिन्न हो गई, अब ये भिन्न गुणा करने के बाद आ गई 15/20। देखिए 5 × 15 और 4×5 = 20, 15/20 हो गई और ये भिन्न हो गई 15/18। अब देखिए इसमें अंश जो है वो एक समान हो गए, अंश जो है एक बराबर हो गए, लेकिन इनका हर अलग अलग है। तो जिसका हर छोटा होगा, अंश समान होने पर जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। अंश एक समान होने पर, अंश एक समान होने पर जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। तो यहां पर देखिए किसका हर छोटा है, तो 15/18 और 15/20 में 15/18 यानी 18 छोटा है, यानी ये भिन्न बड़ी हो गई, इसका मतलब 5/6 बड़ा हो गया। तो एक ही भिन्न को हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि कैसे जल्दी कर सकते हैं। अब इससे भी बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर और बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर से भी जल्दी हमारे पास एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा नियम है जो इससे भी जल्दी इसको सही कर देता है। और वो टूल्स क्या है? वो टूल्स है बाय डिफरेंस रूल या अंतर नियम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये चौथा नियम हो गया। चौथा है बाय डिफरेंस रूल या डिफरेंस रूल। इसको अंतर नियम भी कहेंगे। अंतर नियम में क्या होता है कि पहले में तो भिन्न प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिस भिन्न, इस प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जो न्यूमरेटर है ये छोटा होगा डिनोमिनेटर, और वो अपने लोवेस्ट टर्म में होनी चाहिए।
लोवेस्ट टर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF वो है 1 होना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये दो स्थितियां, ये दो शर्त होने के बाद, दो शर्त होने के बाद तीसरी शर्त है, यदि दी गई भिन्नों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का अंतर एक समान है, एक समान है, तो जिस भिन्न का अंश और हर बड़ा होगा बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश और हर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो ये कंडीशन, ये तीन कंडीशन देखने के बाद आपके पास जो, आपके पास जो इक्वेशन है, जो भिन्न दिया है 3/4 और 5/6, अब इनमें देखिए अंश और हर का अंतर यहां पर एक है और यहां पर भी एक है, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। ये अंतर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर 2 का अंतर वाली संख्या लिखते हैं, यहां पर देखिए अंश और हर का अंतर यहां पर 2 है, तो 2 यहां है तो 2 इस भिन्न में भी होना चाहिए। ये 3 का अंतर पर भी लिख सकते हैं, जैसे हम 6 के साथ नहीं, ये 6, ये हम चाहते हैं कि देखिए ये 5/8 हम लिख दें, अब यहां पर 3 का अंतर हो गया, और यहां पर 8/11 लिख दें, या 3 का अंतर का कोई भिन्न और वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी भिन्नों में देखिए यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, बस आपको क्या देखना है कि अंतर सेम होना चाहिए। तो दोनों में अंतर सेम है, तो जिस भिन्न का अंश और हर बड़ा है, तो इसमें 5 और 6 यहां अंश बड़ा है इस भिन्न का, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, यहां पर इसका अंश और हर बड़ा है तो ये भिन्न हो जाएगी, इस पर यहां पर इसका अंश और बड़ा, अंश और हर बड़ा है तो ये भिन्न हो जाएगी। तो ये जो है अब तक जितने आप रूल पढ़े उन सबसे आसान यानी सबसे जल्दी आंसर देने वाला हो गया। इसमें क्या आपको देखना है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि अंतर सेम है कि नहीं, और दूसरा ये देखना है कि भिन्न प्रॉपर है कि नहीं, और भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। तो ये अभिन्न को देखते ही पता चल जाता है, और जैसे ही देखते ही पता चल जाएगा आप तुरंत इस नियम का प्रयोग अप्लाई कर देंगे। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए आपके पास ढेर सारी भिन्न दी हैं, तो सबसे पहले वो भिन्न का ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि भिन्न प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर होने के लिए क्या देखना है कि उसका अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, ये आपने देख लिया। फिर दूसरे नंबर पर बात देखनी है कि वो लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। लोवेस्ट टर्म का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पर 16/20 लिखा है, तो ये भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 कॉमन ऊपर अभी है, दोनों में अंश और हर में 4 कॉमन है, तो ये 4 कॉमन हटा देंगे, अब जो बचेगी भिन्न 4/5 ये लोवेस्ट टर्म की भिन्न कहलाएगी।
तो 16 बटा 20 और 4 बटा 5 दोनों बराबर हैं, दोनों इक्विवेलेंट भिन्न हैं, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो इस नियम को लगाने के लिए ये जो 16 बटा 20 लिखे हैं ये अपने लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए, यानी 4 बटा 5 के रूप में होना चाहिए, यानी बीच में इसमें दोनों अंश और हर में जो भी कॉमन संख्या है उसको काट देंगे, और काटने के बाद कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसको लोवेस्ट टर्म भिन्न कहते हैं। अब बताइए सर, नोमिनेटर बड़ा होगा तो अभी उसकी बात नहीं ना आई है, अभी तो इसके इस पर पहले देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, अरे डिनोमिनेटर बड़ा। ओके सर, ओके ठीक है। तो इसमें ये देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आप अभी आपने जैसे इन्होंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा है तब का होगा, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगी, और इम्प्रॉपर भिन्न के केस में जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, इसी नियम को जो अंतर नियम है ये दूसरे तरह के केस में कब लगेगा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए ये कैसा दिखेगा, तो देखिए ये 5 बटा 3 है और ये मान लीजिए कि 7 बटा 5 है। इन दोनों केसेज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अब इसमें कौन भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश और हर, देखिए इन दोनों में दो दो का अंतर है, 3 × 5 × 5 × 7, तो जिस भिन्न का अंश और हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसको एकदम एग्जैक्टली जानने के लिए अगर हम इसका हर बराबर कर दें तो आप इसे आपको दिखाई देने लगेगा, तो हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 5 का गुणा कर दें, 15 बना लें, और इसमें भी 5 का गुणा, यहां हर बराबर करना है तो 3 का गुणा और 3 का गुणा नीचे, तो किसी भी भिन्न में अंश और हर में एक संख्या से गुणा करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता। तो आप देखिए ये 25 बटा 15 हो गया और ये 21 बटा 15 हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो और भिन्न लोवेस्ट टर्म में हो, उस केस में जिस भिन्न का अंश और हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हर एक बराबर हो गया है, यहां 15 15 यहां भी है, तो इनमें कौन बड़ा होगा, जिस भिन्न, अब देखिए इसमें ये भिन्न बड़ी हो गई, तो ये वास्तव में भिन्न क्या थी, ये वास्तव में भिन्न 5 बटा 3 थी और ये भिन्न 7 बटा 5 थी, तो यहां पर कौन बड़ा हो गया, 5 बटा 3 7 बटा 5 से बड़ा हो गया, कब, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब बड़ा होगा और अंतर सेम होगा और भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में होगी, तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहां पर यही बात आप चाहें तो लिख लीजिए या हम जो बोल रहे हैं उसे सुन सकते, इस केस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो बड़ी भिन्न को चेक करने के लिए, बड़ी या छोटी भिन्नों की तुलना करने के लिए आपका जो डिफरेंस रूल है वो सबसे जबरदस्त है। इसमें ज्यादा भाग गुणा नहीं करना है, इसमें बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि भिन्न कौन बड़ी है।
यहाँ तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए कि ये भिन्न इस स्थिति में है तो वो बड़ी होगी। यानी ये देखिए ये 5/3 है और ये 7/5 है, यहाँ पर हम 9/7 लिख दें, फिर 11/9 लिख दें, तो ये सारी भिन्न हैं, सभी भिन्न, यहाँ पर हमने ये 4 भिन्न लिख दिए। अब मैं यह पूछूं आपसे कि भाई इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है और सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि क्या इन सारे दी गई भिन्नों का डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है, डिफरेंस कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए 5 और 3 दो का अंतर है, यहां भी 7 और 5 दो का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, तो एक चीज पता चल गई कि भाई ये सारे भिन्ने सारे फ्रैक्शंस जो है सेम डिफरेंस पर है इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। दूसरा क्या पता करना है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी जो ये अंश और हर है ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। सह अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का HCF एक होना चाहिए। तो ये देखिए जितनी मैंने संख्याएं लिखा है यहां पर सबका HCF एक है यानी मौसप एक है, तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। अगर ये सारी संख्याएं ऐसी लिखी हैं कि को प्राइम है तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए ये तीनों कंडीशन हमने देख लिया कि ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है, ये भी पता चल गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जब डिफरेंस सेम हो, भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में हो, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है और सबसे छोटी 11/9 है। तो सबसे बड़ी भिन्न 5/3, सबसे बड़ी भिन्न, और 11/9 सबसे छोटी भिन्न। अब बताइए आप किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। सर ये जो एक बार सर जो लिखे उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, सर नेटवर्क चला गया था। अच्छा, ये कंडीशन तब है जब अंश जो है हर से बड़ा है, जब अंश हर से बड़ा हो और भिन्न इम्प्रॉपर हो और अपने लोवेस्ट टर्म में हो, तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। ये जो प्रॉपर भिन्न हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का उल्टा यहां रहेगा। प्रॉपर भिन्न में क्या है, यानी जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में है और डिफरेंस सेम है, तो वहां पर जिस भिन्न का अंश और हर बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाती है, और जिस भिन्न का अंश और हर छोटा है वो छोटी भिन्न हो जाती है। और इम्प्रॉपर के केस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए और भिन्न अपने लोवेस्ट टर्म में रहे, तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, जैसा कि मैंने यहां एग्जांपल में आपको दिखाया है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगर किसी कोई अभी भी डाउट हो तो वो बेहिचक पूछ सकता है। अभी तक हम लोगों ने जो नियम पढ़ा वो यही नियम था। अब अगला और सबसे मास्टर की जिसको बोलते हैं, मास्टर रूल जिसको बोलते हैं, मास्टर लॉ जिसको बोलते हैं, वो अब अगला आने वाला है और वो है क्रॉस प्रोडक्ट नियम या वज्र गुणन नियम। तो ये हमारे ख्याल से 5वां है, वज्र गुणन नियम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल CMR, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल।
या क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसको सीपीआर भी बोलते हैं। ये क्या है? मान लीजिए आपको एक भिन्न ए बाई बी दिया है और एक दूसरी भिन्न सी बाई डी दिया है, ये दो भिन्न आपके पास है, एक भिन्न ए बाई बी है, दूसरा भिन्न सी बाई डी। अब इनमें ये बताना है कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है, तो क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट नियम लगा देंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी। तो ये जो ए से डी वाला है इसको पहले लगाएं और बी से सी की तरफ जो जा रहा है ये दूसरे नंबर पर लगाएं। यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए डी, इन दोनों का गुणा कर दिए, और तब लिखेंगे बी सी, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए ए डी और बी सी आ गया, यहां क्रॉस करने पर ए डी और बी सी आ गया, और यहां अगर इफ लिख देते हैं ना, नहीं इफ यहां से शुरू होगा। अब यहां से तीन स्थितियां पैदा हुई। पहली स्थिति ये कि इफ एडी बीसी से बड़ा हो जाए, इफ एडी जो ये एडी गुणा करने के बाद आया है और बीसी आया है, तो इफ एडी बीसी से बड़ा हो जाए देन जिधर ये लिखा है वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी ए बाई बी बड़ी भिन्न होगी सी बाई डी के। और इसमें दूसरा नियम, दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति यहां पर यह होगी कि इफ ए बाय ए इंटू डी, ए इंटू डी छोटा हो जाए बी इंटू सी के, तब क्या होगा? तब ए बाई बी छोटी हो जाएगी सी बाई डी। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि इफ ए डी बी सी के बराबर हो जाए। यही तीन स्थिति होगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा? तब ए बाई बी बराबर हो जाएगा सी बाई डी। तो ये एक ऐसा मेथड है जो एकदम मास्टर की तरह काम करता है। ये किसी भी भिन्न पर लागू होगा और उसे बहुत जल्दी से आंसर देने दे पाने में सफल होगा। अब देखिए जो हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे वो हमारा एग्जाम्पल क्या है? 3/4 है और 5/6 जो हमने एग्जाम्पल किया। अब यहां पर आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा? 6 3 18 मिलेगा, 6 3 में गुणा किए और 4 5 20 मिलेगा। तो देखिए ये एडी है, ये एडी है और ये बीसी है, तो आपको दिख गया कि 18 से बड़ा है 20, तो ये 20 बड़ा है। इसका मतलब कि 5/6 बड़ा हो गया। यहां से ये क्या बता देगा? कि 3/4 छोटा हो जाएगा 5/6 से। तो देखिए ये कुछ सेकेंडों में आपको उत्तर बता दिया, और इसमें कोई भी ये कंडीशन नहीं देखनी है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, कि लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं है, ये सारी कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं देखनी है। इसे ये जो नियम ये बताता है कि भाई बस भिन्न होना चाहिए, अगर वो भिन्न है तो ये इससे मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ये सब कुछ ही इससे मतलब नहीं है। तो ये सबसे स्ट्रांग और सबसे विश्वसनीय रूल है सीएमआर या सीपीआर, वज्र गुणन नियम। इसका नाम भी देखिए है वज्र गुणन नियम। ये गुणन का नियम जो है एकदम क्लियर कट बता देता है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो डिटेल और क्लियर कट बता दिया है तो आप। अगर अगर सर ये फ्रैक्शन 3 टर्म में लिखा होगा तब कैसे करेंगे? वो भी करेंगे, वो तो सर 3-4 टर्म में, वो 4 टर्म में हो 5 टर्म में हो सब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर 3 टर्म वाला लिख करके दिखा देता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ 3/4 दे दिया है, 4/5 दे दिया है और 5/6 दे दिया है, ठीक है। और कहें तो 6/7 हमने 4 ले लिया भिन्न। अब आपके पास 4 भिन्न हो गई। अब आपको ये नियम लगाना है। अब आपको देखिए नियम कैसे लगाना है। आप पहले इन दोनों में नियम लगाइए तो 5 3 15 और 4 4 16 हो गया कि नहीं। ये क्रास ध्यान से देखिएगा, ये क्रास हो गया ना, ये मन में लगाइए। 4 4 5 3 आपने लगा के लिख दिया, इसका मतलब कि ये 16 15 से बड़ा है, इसका मतलब 4/5 बड़ा हो गया आप, ठीक है। तो 3/4 से बड़ा हो गया 4/5। अब इस 4/5 का इसके साथ नियम लगा लीजिए, अब इसके साथ नियम लगा लीजिए। तो अब देखिए 4 6 24 और 5 5 25, इसका मतलब अब ये बड़ा हो गया तो अब ये भिन्न बड़ी हो गई। अब इन दोनों के बीच के नियम लगाना है तो 7 5 35 और 6 6 36। तो अब इसका मतलब कि ये इधर वाला बड़ा हो गया, ये भिन्न बड़ी हो गई, इसका मतलब फाइनली ये भिन्न बड़ी हो गई। तो इस तरह से हम लोग जो है इस नियम को लगा करके देखेंगे, लेकिन ये सबसे कम टाइम में आंसर दे देगा जब दो फ्रैक्शन दिए हैं, दो भिन्न दिया है, दो से अधिक देने पर ये डिफरेंस रूल से ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन ये एकदम विश्वसनीय उत्तर दे देगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम लोगों की बात करनी थी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते थे जिनका हर 10 की कोई घात होता है। जिसका डिनोमिनेटर 10 का कोई पावर होता है। यानी जैसे 3/10, 3/100 या 7/1000 या 9/10000। यहां पर आप देखिए ये 3/10 10^1 है, ये 3/100 यानी 10^2 है, ये 7/1000 यानी 10^3 है, ये 9/10000 इसका मतलब 10^4 है। तो इस तरह की जो भिन्न होती हैं, जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की कोई घात में होता है, 10 की कोई पावर में होता है, तो ऐसी भिन्नों को डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसको बोलते हैं, ठीक है। अब दशमलव भिन्न दो तरह की होती है। ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं ये दो तरह की मूलतः, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा है नॉन टर्मिनेट। डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब होता है शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न, और इसका मतलब होता है अशांत
और शाम दशमलव भी। शांत का अर्थ यहां पर क्या है? शांत का अर्थ वो है थोड़े की शांति बनाए रखें, इससे भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अब देखिए ये चार बटा पांच है या आठ बटा पांच है या दो बटा पांच है, ठीक है, या पांच बटा दो है, इस टाइप की जो भिन्न है उनको शांत या नॉन अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? कि इनमें जैसे चार में पांच से भाग देंगे तो दशमलव आठ, इसके बाद दशमलव के एक अंक के बाद ये भिन्न खत्म हो गई, माने इसके बाद कोई दशमलव का अंक नहीं आ रहा है। इसी तरह से यहां आप भाग देंगे तो पांच एकम पांच, पांच छह के तीस, यानी एक दशमलव छह के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, मतलब दशमलव के एक अंक के बाद ये भिन्न खत्म हो गई। यहां पर आप देखेंगे दो बटे पांच में तो दशमलव चार, दशमलव के एक अंक के बाद ये भिन्न खत्म हो गई। पांच बटा दो में देखेंगे ये दो दशमलव पांच, यानी दशमलव के एक अंक के बाद ये भिन्न खत्म हो गई। तो ये सारी भिन्नें टर्मिनेट हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दशमलव के किसी अंक पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती, समाप्त हो जाती हैं, कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है वो दशमलव के बाद वो खत्म नहीं होता। जैसे एक बटा तीन है या दो बटा छह है या पांच बटे सात है या दो बटे नौ है, इस तरह की जो भिन्ने हैं दशमलव के बाद इनका कोई अंक खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और वो इनफाइनाइट तक चलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए मैं आपको भाग दे करके दिखा रहा, एक में तीन से आपने भाग दिया तो दशमलव बढ़ाए, यहां जीरो हो गया तो तीन तिया नौ, फिर एक आ गया, फिर आप जीरो बढ़ाए फिर तीन तिया नौ, तो ये न यहां एक खत्म होगा आने का और न यहां तीन खत्म होगा, यानी ये तीन बार बार आता रहेगा और आप सुबह से लेके शाम तक भाग देते रहिए, ये यहां पर न एक खत्म होगा न यहां तीन खत्म होगा, ये चलता रहेगा। तो दशमलव के बाद जब ये किसी अंक पर भिन्न खत्म नहीं हो रही है बल्कि इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है, तो ऐसी भिन्न को नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब जैसे ही देखिए दो में हमने छह का भाग दिया, दो में छह का भाग देकर देखिए, तो आप दशमलव बढ़ाएंगे यहां पर तो ये बीस हो जाएगा, छह तिरी के अठारह, फिर देखिए दो आ गया, फिर तीन, फिर अठारह, फिर दो, तो ये तीन तीन आता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी तरह से आप पांच बटे सात और दो बटे नौ के केस में भी देख सकते हैं कि ये सारी भिन्ने नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी भिन्ने नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इनका दशमलव का अंक कहीं खत्म नहीं हो रहा। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न है इसमें भी दो स्थितियां होती हैं। अब यहां से देखिए टर्मिनेटिंग की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं, ये तो बात हो गई, असली काम यहां पर बचा है। अब ये दो दो प्रकार की ये भी होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं ये दो प्रकार का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी दो तरह का है, पहला है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग,
घर है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग को आप दूसरे अर्थ में नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, और रिकरिंग का मतलब होता है जो अंक बार बार आए, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार न आए। यानी रिकरिंग का मतलब जो रिपीट हो बार बार। तो कैसे देखिए, जैसे दशमलव के बाद ये तीन बार बार आए, या दशमलव के बाद छह बार बार आए और ये इनफाइनाइट तक जाए, या दशमलव के बाद दो अंक बार बार आए, मान लीजिए 21 बार बार आए, दो अंक बार बार आए, या दशमलव के बाद तीन अंक बार बार आए, ये बार बार आए। तो यहां पर तीन अंक बार बार आ रहा है, यहां पर दो अंक बार बार आ रहा है, यहां पर एक अंक बार बार आ रहा है। तो जब ये बार बार अंक रिपीट होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अंक रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, तो इन इनके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार का मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहां भी बार लगा देते हैं, यानी जिस अंक के ऊपर बार लगा रहता है वो ये बताता है कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिए दो अंक रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, तो यहां पर दशमलव के दो अंक के ऊपर बार लगा देंगे, ये रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिए तीन अंक रिपीट हो रहे हैं, तो दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं, उनके ऊपर बार लगा देते हैं। और बार लगाने से ये पता चलता है कि ये इतने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? ये फ्रैक्शन ऐसे होते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी अंक इनका रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद दो तीन जीरो लिख दिया, फिर आगे जो है दो तीन डबल जीरो आ जाता है, फिर इसके आगे दो तीन ट्रिपल जीरो, तो इस तरह से ये भी खत्म नहीं होते, लेकिन इनका अंक यहां पर रिपीट नहीं होता। जैसे देखिए मान लीजिए 230 है, तो 230 यहां भी रिपीट होना चाहिए लेकिन बीच में जीरो आ गया, तो यहां पर नॉन रिपीटिंग है। यहां पर ये कैसे है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है। यहां पर कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तो इसी संख्या को जो रिपीट नहीं होता है और खत्म भी नहीं होता है, ऐसी संख्या को ही इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट ना करे और खत्म भी ना हो, इस तरह की जो संख्याएं मिलती हैं उन्हीं को इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट करे भले खत्म ना हो, तो ये सब रेशनल नंबर में आएंगे। ये सारी संख्याएं इस तरह की जिनका दशमलव के बाद अंक रिपीट करते हैं, बार बार आते हैं भले खत्म ना हो, तो ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी ये रेशनल नंबर। तो अब आप बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन हो फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग सर। हाँ सर, सर ये कर बारी बारी से पूछिए। हाँ सर, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई भिन्न है जो एक अंक दशमलव के एक अंक पे शांत हो, मतलब खत्म रुक जा रही है, हाँ, तो उसको शांत कहेंगे। अगर दो अंक पे खत्म हो रही है उसको भी शांत ही कहेंगे ना? हाँ, वो 20 अंक पर खत्म हो, यस, वो 1000 अंक पर खत्म हो, तब भी उसको शांत कहेंगे। ओके सर, बात समझ रहे हैं? एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, बस उसे खत्म हो जाना चाहिए।
और किसी कोई कंफ्यूजन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है सर कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट, कोई भी अंक रिपीट नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लेकर दिखा दिया, आपको एक और एग्जांपल कहिए तो दिखा देते हैं। जैसे एक और एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने मान लिया 2, 3, 5, 7 लिख दिया, फिर ये 4 अंक लिख लिए, फिर आगे हमने 6, 9, 8, 5 लिख दिया, फिर इसके आगे हमने 1, 3, 2 लिख दिया और ये खत्म भी नहीं हो रहा, कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं, सारे अंक ये डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को जिसका दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं करते हैं और अनंत तक जाते हैं और खत्म भी नहीं होते, उन्हीं को नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और यही नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बताइए, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में कैसे, अरे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को पी वाई क्यू के रूप में लिखना या व्यक्त करना। अब देखिए यहां क्या करना है, मान लीजिए आपको ये संख्या दिया है और इस पर बार लगा है और इसे कह दिया है इसको पी वाई क्यू के रूप में लीजिए। पी वाई क्यू के रूप में लिखिए तो क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से समझिएगा, दशमलव 6 बार को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है तो 6 लिख देते हैं बिना बार का, और जितने अंक पर बार लगा रहता है हर में उतने ही अंक 9 लिख देते हैं। तो देखिए ऊपर एक अंक पर बार लगा था तो एक 9 यहां हमने बना दिया। अब इसे साल्व कर लीजिए, ये 3 से कट जाएगा तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये 3/2 यानी 2 में 3 का भाग देने पर ये 6 बार आएगा, तो ये पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गई संख्या। दूसरा नियम मान लीजिए ये 2 अंक की संख्या हो जाए, यानी 2, 3 मान लीजिए आ जाए, तो इस तरह की संख्या के लिए क्या करेंगे, आपको 23 लिख देना है और जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 नीचे बना देना है, तो ये 23/9 ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसे मान लीजिए आपको दिया है 0, 3, 1 और ये पूरा बार लगा है, तो आपको क्या करना है, ये बार हटा करके संख्या लिख देनी है, तो बार हटाकर संख्या लिखेंगे तो ऐसे दिखेगी और जितने पर बार लगा है उतने 9 बना देंगे, 9, 9 बना देंगे, तो देखिए 3 अंकों पर बार लगा है तो 3, 9 बना दिए। अब 0 चूंकि यहां पर पहले लिख गया है तो इस 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो ये 31/999 हो गया। अगर ये दशमलव के बाद 4 अंक पर बार लगा होगा तब भी यही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि चौथा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, यहां पर मान लीजिए कि आपको दिया है दशमलव के बाद 2 जीरो के बाद 2 और 3 लिखा है और इतने संख्याओं पर बार लगा है, तो आपको क्या करना है, आप बिना बार हटा करके संख्या लिख दीजिए और जितने संख्या पर बार लगा है उतने ही 9 बनाने हैं, तो 4 अंकों पर बार लगा है तो 4, 9 बना दिए।
अब देखिए इधर जो बाईं तरफ जीरो है इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये फाइनली 23/9999 आ गया। तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, आई होप कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। यस सर क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक संख्या आपको ऐसे मिलेगी, यहां पर देखिए यहां पर एक पर बार नहीं लगा और दो तीन पर बार लगा है, और ये 2.1 पर बार नहीं लगा है और 2-3 पर बार लगा है, इसको क्या करेंगे? ये जो 2 दशमलव के बाद संख्या है इसको 2.123 और इतने पर बार लगा है। तो ऐसी संख्या को जो दशमलव के कुछ अंक रिपीट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो यहां पर देखिए एक रिपीट नहीं कर रहा है जबकि 2 और 3 रिपीट कर रहे हैं, एक रिपीट नहीं कर रहा है जबकि 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि बिना बार हटाए, बिना बार को हटा दीजिए और 123 लिख दीजिए, और जिस अंक पर बार नहीं लगा था, तो देखिए एक पर बार नहीं लगा था तो इसमें से एक घटा देंगे, जितने संख्या पर अंक पर बार नहीं लगा रहेगा वो पूरे में से उसको माइनस कर देंगे, तो 123 में से इसको माइनस कर दिए एक, और जितने पर बार लगा है उतने 9 लिख देंगे और जिस पर बार नहीं लगा था उसके बदले 0 लिख देंगे। तो अब ये फाइनल हो जाएगा, 123 में से एक निकाल देंगे तो 122 बचेगा, 122/990, और इसको आप देखिए 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12 और 2 1 2 और यहां पर 2 4 के 8 और 2 9 18 और 2 5 10। अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी आपको संख्या ऐसी मिल सकती है, मान लीजिए दशमलव के बाद 0, 1 और 2, 3 है और इस पर बार लगा है और इस पर बार नहीं लगा है, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? जितने ये अंक लिखे हैं उन सबको लिख देंगे, 123 लिख दिया। अब 0 का मतलब तो यहां कुछ होता नहीं, जैसे 0 आप लिख भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा देंगे तो एक पर बार नहीं लगा तो एक घटा दिए, अब जितने पर बार लगा था उतने 9 बना दिए, और जितने पर बार नहीं लगा है तो कितने पर बार नहीं लगा है, 0 और 1 पर बार नहीं लगा है, तो यहां पर 2 0 बना देंगे। तो अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 122/9900। तो यहां पर हम लोगों ने कन्वर्जन में ये सीख लिया कि दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा रहता है पूरी संख्या में उसे माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में उसके बदले उतने 0 बना देते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है, अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सर सर ये जो ऊपर वाला बताएं 2 दशमलव, सर फर्स्ट वाले में जो 2.123 इसमें 2 जोड़ना भी पड़ेगा तो हमने ये छोड़ दिया है, ये इसको जोड़ना भी पड़ेगा इस 2 में, हमने तो सिर्फ इतना का हल करके ये पा लिया। अब इसको इसमें 2 जोड़ 2 दशमलव, जैसे 2.5 है तो इसका मतलब क्या होता है 2.5, तो चूंकि हम लोग इसको जो दशमलव के बाद वाली सिचुएशन है उसको हम लोग टेकल कर रहे हैं, इसलिए इस सिचुएशन को हम टेकल करके और फाइनली जब आंसर मिलेगा तो ये 2 में जोड़ देंगे। तो आप इसे सॉल्व करके आप तो सही बटे में लिख सकते हैं, 2 सही 61/495 लिख सकते हैं, या इसमें गुणा करके टोटल भिन्न बनाकर लिख सकते हैं, यहां पर एक मिस्टेक हो गई थी। और बताइए सर, एक चीज यहाँ पे पूछना है कि ये जो मतलब जिस पे बार नहीं लगा है, अगर इस संख्या में जैसे मान लीजिए कि 0.12
फिर उसके बाद तीन दो है तो तीन दो पे बार लगाया और एक दो पे नहीं लगाया, तो जो घटाएंगे तो सर एक दो घटाएंगे या दो घटाएंगे? जीतने पर बार नहीं लगा रहेगा उसको घटाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये सिचुएशन आ गई, दशमलव के बाद दो तीन एक आ गया और फिर यहां पर छह सात लिख दिया और इस पर बार लगा दिया, ठीक। तो अब आप पूरी संख्या लिख लेंगे 23,167 और जितने पर बार नहीं लगा है उतने को घटाना है। तो देखिए इतने पर बार नहीं लगा था 231 पर, यहां से 231 घटाएंगे। अब नीचे जितने पर बार लगा है उतने 9 बनाएंगे, जितने पर बार नहीं लगा है उतने 0 बनाएंगे। तो तीन संख्या तीन अंक पर बार नहीं लगा है तो 3 0 बना दिए। अब इसको घटा करके यहां लिख दीजिए, 7 में से 1 निकल गया 6 बचेगा, 6 में से 3 निकल गया 3 बचेगा, और यहां पर 1 है तो 11 में से 2 निकल गया 9, और यहां पर 2 बचेगा और ये 2 है, तो 22,936 बटा 99,000 ये आ जाएगा, ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया। ये सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जो रिपीट करते हैं, या दशमलव के बाद कुछ अंक न रिपीट करते हो लेकिन उसके बाद के अंक रिपीट करते हो, ये सारे नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। बोलिए सर, ये फर्स्ट वाला 2.123। देखिए इसमें 2 जोड़ देंगे, ये इतना पोर्शन को हम लोगों को पहले सॉल्व करना था, तो इतना पोर्शन सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक लगाई गई। अब ये सॉल्व होकर के ये आ गया, अब इसको 2 के साथ जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर ये होगा, ठीक है सर। लास्ट 2 जोड़ना है, लास्ट में 2 जोड़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ये दशमलव वाला पोर्शन था, इसको सॉल्व करके 61/495 पाए हैं। तो अब ये दशमलव वाले की जगह पर 61/495 इसमें जोड़ देंगे 2 में, तो अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर समय से मिलेंगे।